हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वैभव नाडकर्णी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन के जवाब के साथ आपके पास आया हूँ। क्या IVF करने से कैंसर का खतरा बढ़ता है? डज IVF ट्रीटमेंट कॉज इंक्रीज इन चांसेस ऑफ गेटिंग गायनेक कैंसर्स? तो इसका जवाब है नहीं। इट इज़ अ वेरी सिंपल आंसर कि गायनेक कैंसर्स जो होते हैं वो यूजुअली लेडीज जिनको ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स और जिनको मोटापा बहुत ज़्यादा हो, ऐसी जो लेडीज़ होती हैं उनको आगे जाकर बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है, जिसको एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं। और जो सर्वाइकल कैंसर है, यानी कि बच्चेदानी के मुख का जो कैंसर है, वो जो है वो ऐसी लेडीज़ को होता है जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो, यानी कि अलग अलग जेंट्स के साथ वो रिलेशन में रह रही हो विदाउट प्रोटेक्शन, जिनके बहुत बार डिलीवरी हो चुकी होती है, या फिर उनकी बच्चेदानी के मुख पे कोई अल्सर या चांदी बनी हो। पर IVF करने से इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जो ओवेरियन कैंसर है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन थोड़े लोग कहते हैं कि जो ओव्यूलेशन इंडक्शन एजेंट्स होते हैं उनको बार बार लगातार सालों साल देने से ओवेरियन कैंसर का थियोरेटिकली चांस ऑन पेपर बढ़ जाता है, पर IVF के जो हॉर्मोन्स के इंजेक्शन्स हैं उनसे बिल्कुल कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है। सो यस, द आंसर इज़ प्रिटी क्लियर। IVF के इंजेक्शन से, IVF के मेडिसिन से, IVF ट्रीटमेंट से कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है। थैंक यू।